12 मई इंटरनेशनल नर्स डे, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस। 12 मई नोबल नर्सिंग की शुरुआत करने वाली फ्लोरेंस नाइटेंगल के जन्मदिवस पर हर साल दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य है इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेस के लिए नए विषय की शैक्षिक और सार्वजनिक सूचना की जानकारी की सामग्री का निर्माण और वितरण करके इस दिन को याद करना। नर्सों की सराहनीय सेवा को मान्यता प्रदान करने के लिए भारतीय सरकार के परिवार एवं कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटेंगल पुरस्कार की शुरुआत की। ये पुरस्कार प्रतिवर्ष माननीय राष्ट्रपति जी द्वारा प्रदान किए जाते हैं। फ्लोरेंस नाइटेंगल को आधुनिक नर्सिंग आंदोलन का जन्मदाता माना जाता है। दया और सेवा की प्रतिमूर्ति फ्लोरेंस नाइटेंगल को द लेडी विद द लैम्प, दीपक वाली महिला के नाम से भी जाना जाता है। इनका जन्म उच्च वर्गीय परिवार में हुआ था, लेकिन सेवा करने को ही इन्होंने चुना। उनका महत्वपूर्ण योगदान क्रीमिया के युद्ध में रहा, जहां घायल सैनिकों की सेवा के लिए वह रात में लैंप लेकर भी उनके पास उनकी सेवा अंधेरे में भी करती रहीं। इन जनवरी 1972, 12th May was chosen to celebrate the day as it is the anniversary of birth of Florence Nightingale, the founder of modern nursing. As per the sources, the National Nurses Week theme is frontline workers, as the doctors, nurses and other medical staff are constantly working on the front foot of this ongoing pandemic, giving support to trillions of patients. Let us know about Florence Nightingale. She was an English social reformer and founder of modern nursing. Nightingale came to prominence while serving as a manager and a trainer of nurses during Crimean War, in which she organized care for wounded soldiers. She gave nursing a favorable reputation and became an icon of Victorian culture. The Lady with the Lamp. She was known as the Lady with the Lamp by making rounds of wounded soldiers. तो आज का ये दिन 12 मई अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। वो नर्स जो कि डॉक्टर्स के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करती हैं, डॉक्टर्स की अनुपस्थिति में डॉक्टर जैसा ही कार्य करती हैं। उनके लिए कोई भी मरीज अमीर गरीब नहीं, उनके अंदर एक सेवा की भावना रहती है। उस सेवा की भावना को नमन करते हुए आज का ये दिन नर्सेस लोगों को समर्पित, नर्सेस समुदाय को देखा।